Krishna Bhakti Pradevi Sattavatai Namo Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Valahari Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama हम लोग गत कल्ला श्रवण कर रहे थे। श्रीमन महाप्रभु प्रश्न करते हैं भगवान की अनंत रूप है, लेकिन वो अनंत रूप में सबसे सुंदर रूप कौन सा रूप है? कौन सा कहते हैं श्याम रूप। कहते भगवान की भगवान के अनंत वैकुंठ है, अनंत वैकुंठ भगवान की, लेकिन होने पर भी उनकी सर्वश्रेष्ठ वासस्थान कहाँ पर? गोलोक होता है। इसलिए बोले पूरी मधुपुरी वराह का ही उपाधि है। जितने स्थान में जो मधुपुरी, मधुपुरी मतलब होता है मथुरा, और मथुरा में अंतर्गत श्री वृंदावन है, मथुरा अंतर्गत श्री वृंदावन, बोले श्री वृंदावन उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। अभी प्रश्न करते हैं, बोले बाल्या पौवर्ण कैश्वर श्रेष्ठ मान काये बया कैश्वर कम धैयम काहे उपाध्याय। बोले भगवान की जो शरीर जो रूप है, कहते उनका एक बाल्य रूप है और एक उनकी पौवर्ण रूप है और इनकी एक कैसर रूप है। कहते कृष्ण के तीन रूप हैं, लेकिन ये तीनों रूपों में कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ रूप कौन है? बोले भैया कैसर कम ध्यान। कहते ध्यान जो के जो रूप है ना, भगवान की जो किशोर रूप है, भगवान की जो किशोर रूप कहती है सर्वश्रेष्ठ उनकी ये रूप है। कहते बाल्य रूप में कृष्ण क्या थे? बाल्य रूप में कृष्ण बड़ी मीठी मीठी लीला की, जिस रस को मैया जसोदा आस्वादन करती हैं, अपना बाल गोपाल रूप में माँ आस्वादन करती हैं। इसलिए जैसे कृष्ण कभी मिट्टी खाए कभी मक्खन खाए, इसलिए मैया जसोदा कभी शासन करती हैं, कभी डांटती है, कभी टपटती है, कभी ये इनकी बाल्य रूप है। लेकिन थोड़ी जब और बड़े होते हैं, कहते उनका आता है पौवर्ण रूप। पौवर्ण रूप मतलब होता है जो किशोर रूप भी नहीं, भगवान की
कैश्वर रूप भी नहीं, किशोर का रूप भी नहीं और कृष्ण का बाल्य रूप भी नहीं, कहते कि बीज का रूप है, कहते कृष्ण के जो बीज का रूप है। जिस समय कृष्ण सखाओं के साथ में बछड़े चराते हैं, सखाओं के साथ में जाकर के कृष्ण बछड़े चराते हैं, लेकिन कृष्ण और जब थोड़े से बड़े होते हैं, जब कृष्ण का कैश्वर अवस्था, कैश्वर मतलब होता है किशोर वय, जिसमें कृष्ण गोपियों का साथ में कृष्ण जब लीला करते हैं, और पगंड अवस्था अवस्था में कृष्ण सखाओं का साथ में कृष्ण, जैसे बच्चे लोग खेलते कूदते हैं बच्चे लोग दोस्तों के साथ में, लेकिन जो कैश्वर अवस्था में जब गोपियों के साथ में और श्रीमती राधा रानी के साथ में कृष्ण लीला करते हैं, कहते ये कैश्वर लीला है, कहते जो कैश्वर लीला है कृष्ण की, ये सर्वश्रेष्ठ माधुर्य, कृष्ण की जो सर्वश्रेष्ठ माधुर्य प्रकट होता है ये कैश्वर अवस्था में ही ये माधुर्य प्रकट होता है, इसलिए कहते ये सर्वश्रेष्ठ लीला श्री कृष्ण का कैश्वर लीला है, कैश्वर लीला है उसी उम्र में। इसलिए कहते भगवान की भक्ति करने का, कहते उनको पांच मुख्य रस और सात गौण रस है, कहते पांच मुख्य रस में शांत दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर, कहते ये पांच रसों के द्वारा भगवान की उपासना होती है, लेकिन होने पर भी कहते कृष्ण संपूर्ण रूप में किसकी प्रेम में वशीभूत होते हैं, यद्यपि कृष्ण सखाओं के प्रेम में भी वशीभूत है, कृष्ण मैया की प्रेम में भी कृष्ण वशीभूत होते हैं, लेकिन कृष्ण पूर्ण रूप में किसकी प्रेम में वशीभूत होते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में एक श्लोक बोले, जे यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजामि, मेरे को जो जिस रूप में उपासना करते हैं मैं उसी के अनुरूप में प्रेम प्रदान करता हूँ, लेकिन ये प्रतिज्ञा तो कृष्ण सब जगह में रख्या किया, लेकिन एक जगह में आकर के कृष्ण को प्रतिज्ञा को रख्या नहीं कर पाए, बोले कब आकर के, बोले रास लीला, कृष्ण जब रास कर रहे थे तब कृष्ण कहते हैं गोपियाँ न पार हम निरबद्ध संजुजा स्वसाधु कीर्त विबुधाय साधु, कृष्ण कहते हैं अगर ब्रह्मा जैसे अगर मैं परमायु ले लूँ मैं तुम लोगों का ऋणी कभी चुका नहीं पाऊँगा, बोले क्यों, बोले सर्वस्व त्याग किया, भाई बंधु कुटुंबी पुत्र परिवार पति ये सब कुछ उन्होंने ठोकर दिया है। इसलिए कृष्ण गीता में जो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापत्वम वक्षयामि माम शुचो, इसलिए कृष्ण जो गीता में बोले सर्वधर्मों को तुम परित्याग करके मेरे शरण में आओ, अगर ये श्लोक कहते संपूर्ण रूप में कहीं लागू होता है ना, कहते ये ब्रज गोपियों को, ये ब्रज गोपियों में ही कहते ये संपूर्ण रूप में लागू होता है, ये ब्रज गोपियों के अंदर में ये लागू होती है, क्योंकि उनके जो त्याग है ये सर्वश्रेष्ठ त्याग ये गोपियों के त्याग है, इतने बड़ी त्याग किसने की नहीं, इतने बड़ी त्याग हाँ। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर उदाहरण देते हैं, कोई एक बहुत बड़ा पहलवान था, सब जगह मिट्टी जाता है, कोई हो तो हाथ धर लो, कोई हो तो हाथ धर लो, लेकिन जहाँ एक शरीर कहीं ना कहीं सभा शरीर मिल जाती, एक शरीर के पास में कभी ना कभी सभा शरीर मिल जाती, कभी कोई सभा शरीर मिल गया, सभा साथ मिल गया तो इतने में जो सभा शरीर वाले लड़ाई नहीं किया है, कुश्ती नहीं किया, केवल पंजा में पंजा मिलाया, मिला कर इस हाथ को दबा दिया उसको और एक झटका मारे उसको पूरा अपना चरण में गिरा दिया, चरण में गिरा दिया तो उसने कहा भैया मैं तेरे पास में मैं पार नहीं पाऊंगा, तेरे साथ में मैं लड़ नहीं सकता भैया, मैं हार गया। इसलिए एक सर वाले कौन है, बोले कृष्ण है, बोले सवा सर वाले कौन, बोले गोपियाँ हैं, ये सवा सर वाले श्री गोपियाँ हैं। इसलिए जब गोपियों को चक्कर में कृष्ण पड़े, कृष्ण हर जगह में बहादुर बोले हैं, मेरे को जो जित
कितना भजन करेगा हम उसका उतना प्रेम देंगे, लेकिन जब सवा सारे गोपियों को सामने पड़े ना, कृष्ण बोले भैया तुम्हारे प्रेम में पार नहीं पाऊंगा, अपराध माफ कर दो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कृष्ण तो सुंदर है, सखाओं के साथ में भी सुंदर है, मैया यशोदा के पास में भी सुंदर है, लेकिन कृष्ण की जो पूर्ण सुंदरता का प्राप्त होता है, कहती है जो गोपियों के साथ में कृष्ण प्रकट होते हैं। उदाहरण दिया गोपियाँ कैसे हैं, जैसे एक मणि, बोले कौन सा मणि, एकदम जैसे क्या बोलते हैं जो गोल्डन कलर स्फटिक स्फटिक मणि, लेकिन कृष्ण जैसे नील मणि है, वैसे नील मणि रखो सुंदर दिखेगा, लेकिन चारी तरफ में जब गोल्डन मणि होगा गोल्ड कलर की, लेकिन उसको बीच में जब नील मणि रखोगे ना उसका और भी सुंदरता बढ़ता है। कृष्ण तो सुंदर है लेकिन जब गोपियों के बीच में होते हैं कृष्ण और सुंदर, लेकिन जब राधा रानी के बाम पास में खड़ी रहती कृष्ण और भी सुंदर कृष्ण दिखते हैं, और भी सुंदर दिखते हैं। इसलिए कहते एक स्त्री को अंदर में ये सारे रस उसके अंदर, एक पत्नी को अंदर में सारे रस है, जैसे सख्य रस है। देखना एक लड़का शादी से पहले उसका बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे दोस्त, लेकिन जब शादी हो जाती है ना और दोस्त भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। बोले क्यों, कहते एक पत्नी को अंदर में जो एक सख्य रस है ना पत्नी को अंदर में है, इसलिए जब पत्नी आ जाती है सखाव के साथ में जो रस आस्वादन करता था, एक पत्नी को साथ में मिलने पर उसको साथ में बातचीत करके उसको साथ में मिल करके उसको मिलता है हमारा असली जो सखा मिल गया है, असली सखा मिल गया है। इसलिए कहते जो वात्सल्य रस है, कहते श्रृंगार रस का विरोध है, लेकिन होने पर भी देखना एक पत्नी को अंदर में जैसे मैया बच्चे को जैसे सेवा करती है, हैं खिलाती है पिलाती है सेवा करती है, पत्नी देखना उसका अंदर में भी ये भावना है, कपड़ा प्रेस कर देना, पति के लिए खाना बनाना, उसको हैं घर साफ करना, कहते जैसे माँ जैसे सेवा करती है, इसके अंदर में भी ये सब। और जो पत्नी के अंदर में जो एक भावना है पत्नी की, कहती है पत्नी को अंदर में तो है ही है, ये पत्नी को अंदर में भावना सर्वस्व दे करके जो सेवा करना इसकी अंदर में है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण का तीन रूप है, एक बाल्य रूप है, एक एक पौगंड रूप है, और उनका एक कैश्वर रूप है, किश्वर रूप है। इसलिए कृष्ण जब पूर्ण किश्वर में उपस्थित हुए तभी कृष्ण रासलीला किया, उसको पहले रास नहीं किया अपने। इसलिए बोले भगवान अपि तारात्री शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्सरंत मनस चक्र जोग माया मुपासता। बोले भगवान अपि ता, ये जो ता शब्द ये बहुवचन, इसको बहुवचन उन्होंने, ये बहुवचन है, बहुवचन में बोले उन्होंने जो उह रात को देखा, बोले भैया कौन सा रात को देखा, कहते एक रात था जब गोपियों को उन्होंने वरदान किया था शरद पूर्णिमा में मैं रास करूँगा, ये एक है। दूसरी है तारात्रि, मतलब जहाँ पर एक साथ में छह ऋतु बह रहे थे, बेली चमेली जूई केतकी मालती सबके सब जहाँ पर सुंदर सुंदर फूल खिल रहा था, हैं ये एक ता। और तीसरा जो ता होता है जब उनकी पूर्ण जौवन, कृष्ण पूर्ण किशोर अवस्था में जब उन्होंने ये अवस्था में उन्होंने रास लीला की है। इसलिए रास मतलब क्या है, बोले रसा नाम समूह इति रास, रास मतलब होता है जहाँ पर रस ही रस, जहाँ पर केवल रस ही रस है। इसलिए ये पूर्ण रस कब प्राप्त होगी, बोले ये रासलीला, ये रासलीला में ये पूर्ण रस प्राप्त हुई। और रासलीला कौन सा उम्र में किया, उन्होंने पूर्ण किशोर अवस्था में भी वो रास रचाए। इसलिए यहाँ पर कृष्ण करते हैं, बोले भैया कृष्ण का तीन रूप है, वात्सल्य पौकंड कैश्वर अवस्था, लेकिन हम जो ध्यान करें हैं, हम जो ध्यान करें कौन सा रूप का हम ध्यान करेंगे, बोले किश्वर अवस्था, क्योंकि जो श्रृंगार रस का उपासक है, कल मैं बता रहा था ना कृष्णा को प्रियतम रूप में, एक माता जी ने बोले अगर हम उसको प्रियतम रूप में नहीं मानते तो
मतलब जिस रूप में मानते उस रूप में उनको पूजा करो। लेकिन कहते हैं उनको बात्सल्य रस का भी उपासक है, उनके पौगंड रस की उपासका सख्य रस में, लेकिन जो श्रृंगार रस का जो उपासक है ये उनके जो तीन जो उम्र है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उनका उम्र कौन सा जिसमें संपूर्ण माधुर्य उनकी सौंदर्य उनकी प्रेम किसमें प्रकाश होता है, कहते उनकी कैश्वर अवस्था में है, कैश्वर अवस्था में ये पूर्ण उनकी माधुर्य सौंदर्य सब कुछ किशोर अवस्था में उनको प्रकट होता है। इसलिए बोले हम लोग जो ध्यान करते हैं हाँ, इसलिए जिस समय हम लोग ठाकुर जी को पूजा करते हैं ना उस समय तिब्बत वृंदारण्य कल्पद्रु माधव, तिब्बत वृंदारण्य कल्पद्रु माधव श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थ श्री श्री राधा गोविंद देवो पृष्ठलिवी सद्भवान स्मरामी, ये जो ठाकुर जी को ध्यान करते हैं ना इस रूप में ध्यान करनी चाहिए है? इस रूप में उनको ध्यान कर केवल दिव्य वृंदावन, दिव्य वृंदावन में कल्प वृक्षों के नीचे है कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नाकार सिंहासनस्थो, रत्न के सिंहासन ऊपर में श्री राधा श्री गोविंद देव को हम सबके सब ध्यान करते हैं। यही उनकी ध्यान की उपयुक्त जो स्वरूप है, इनको कैश्वर अवस्था ही में ही उनका सब कुछ माधुर्य सौंदर्य प्रकट होता है। इसलिए कहते हैं उनका जो ध्यान की जो चौक्य है कतिपय कैश्वरतम ध्येयम कहे उपाध्याय, बोले उनका किशोर मूर्ति का जो ध्यान ये सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। कहते रसगण मध्य तुम्हें श्रेष्ठ मान का, कहते जितने सारे रसों में तुम कौन सा रस को सर्वश्रेष्ठ मानते हो, बल आद्य एव पर रस कहे उपाध्याय, कहते उनकी रसों में सर्वश्रेष्ठ रस है आद्य एव पर रस, आद्य मतलब होता है आदि है, आद्य मतलब होता है आदि रस, इसलिए कहते हैं आदि रस कौन है, इसलिए भागवत का जो पहला श्लोक है ना जन्मा दस्य जतः, ये जो श्लोक को हमारे विश्वनाथ जब बल्लभाचार्य इसको श्लोक को व्याख्या करते हैं कहते जन्मा दस्य जतः, जिनसे ये जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, बोले किससे होता है, बोले कृष्ण से, भगवान कृष्ण से सृष्टि स्थिति प्रलय भगवान से होता है। जब इस श्लोक को कृष्ण पर व्याख्या करते हैं तब उसको लगाते हैं भगवान कृष्ण से ही जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, क्योंकि उनकी इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, उनकी इच्छा से विष्णु जगत को पालन करते हैं और उनकी इच्छा से शंकर जी संहार करते हैं। जब ये श्लोक को कृष्ण पर व्याख्या करता है ये होता है, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये श्लोक को कहते केवल कृष्ण को ये नहीं सत्यम परम धीमहि, मतलब है केवल कृष्ण का ध्यान नहीं बल्कि उनको साथ साथ में और भी किसको ध्यान करते हैं, बल्कि किसको ध्यान करते हैं, बोले श्री राधा रानी, तब वो जब राधा पर व्याख्या करते हैं कहते जन्मा दस्य जतः, जतः मतलब होता है जिससे, जन्म मतलब होता है जिससे जन्म होता है, बोले क्या जन्म होता है आद्य रस, आद्य रस मतलब होता है जो मुख्य रस है, जो मेन रस है, जो आदि रस है, कहते वो आदि रस कौन सा रस आदि रस है, बोले ये श्रृंगार रस ही आदि रस है। श्रृंगार मतलब गोपियाँ जिस भाव से राधा रानी जिस भाव से कृष्ण को आराधना करती हैं कहते यही आदि रस है, और ये आदि रस मतलब मेन रस यही है मूल रस, इसी से ही ये सारे रस इसी रस से प्रकट होता है, श्रृंगार रस से सब कुछ प्रकट होता है। जैसे एक रुपया में एक आना भी, दो आना भी, तीन आना भी, चार आना भी, उसके अंदर 15 आना भी और 16 आना भी, उसमें सब कुछ है। कहते उसी तरह कभी जो श्रृंगार रस में हैं कभी ये सब रस उसी रस में उतना, इसलिए देखना जब किसी लड़का को शादी हो जाती है ना दोस्त भी चले जाते माँ भी चली जाती बोले पत्नी रह जाती, अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाता है
वो उसका अलग हो जाता है। बोले क्यों? बोले पत्नी से उसका सारे रस पत्नी से मिल जाती है, पत्नी से सारे रस उसको प्राप्त हो जाती है, इसलिए एक एक कर सबको छोड़ देती है, सबको एक एक करके, क्योंकि उनके अंदर में ये सारे रस उसका मिल रहा है। कभी जो शांत रस में, कभी शांत रस में, कहते इसमें निष्ठा है, सात रस का जो लक्षण है उसमें निष्ठा है, कृष्ण की निष्ठा उसके अंदर में। कहते सख्य रस में, कहते उसमें सेवा की भावना, सख्य रस में सेवा की भावना उसके अंदर में। इसलिए शांत रस में केवल एक रस है, दो रस नहीं, केवल कृष्ण के प्रति निष्ठा है। और शांत रस में कौन सा भक्त है? कहते कृष्ण का बंसुरी है, ये गैया है। बोले क्यों? शांत कहते ना, इसी जगत में कोई व्यक्ति अगर खूब शांत शिष्ट हो, बोले भैया व्यक्ति बड़ा शांत आदमी है, भैया ये बड़े व्यक्ति है ना, बड़े शांत आदमी, बड़े सरस हैं, सरल सीधा, बड़े शांत आदमी है। लेकिन उसी जगत में शांत रस की इतने महत्व नहीं, इसी जगत में शांत व्यक्ति होना, बोले भैया बड़े अच्छा आदमी, शांत शिष्ट व्यक्ति, लेकिन वहाँ पर इतना महत्व नहीं। बोले क्यों? वहाँ पर उसी चीज़ की ज़्यादा महत्व है जो जितने कृष्ण को सुख दे सके, आनंद दे सके, वहाँ पर कभी श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पर जैसे बंसुरी, इसको शांत रस बताया, क्यों? जब कृष्ण उसको फू मारेंगे, कृष्ण जब बजाएंगे तब वो बजेगी, नहीं तो वैसे नहीं बजेगी। जैसे गैया है, कृष्ण जब गैया को हांक करके ले जाएंगे तो गैया चलेगी, नहीं तो वैसे नहीं चलेगी, हैं? इसलिए यहाँ पर कृष्ण को उल्टा करना पड़ता है, कृष्ण को उनको करना पड़ता है, कृष्ण को वो खुद खुद कृष्ण की सेवा नहीं करते, इसलिए ये रस को शांत। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ बताया दास्य, जो दास्य रस में है सेवा की भावना, दास्य रस में सेवा की भावना है, हम अपना सेवक को हम कैसे सुख दे, कैसे उनको हम सुख दे। बोले दास्य नाम की वा अवशिष्यते, कभी जिसको दास्य रस की प्राप्त होता है उसको सब मिल जाती है। इसलिए हनुमान जैसे हैं दास्य रस में, श्री हनुमान जैसे दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम चले ना हनुमान के। इसलिए दास्य रस में जैसे हनुमान जी रामचंद्र की हर तरह से, कहीं अगर राम कहीं जाना ना बास कंधे पर बैठे करके उनकर ले चलते हैं, अगर कहीं रामचंद्र बैठे हुए अपना पूछ से बड़ी सुंदर शक्ति बना देते, जब रामचंद्र विश्राम करते हैं हनुमान जी चरण की सेवक सेवा करती है, चरण कम की सेवा करते हैं, कहीं अगर मैसेज भेजना हनुमान जी मैसेज लेकर चले जाते हैं, इनके अंदर में सेवा की भावना। इसलिए शांत रस से जो श्रेष्ठ रस है कौन सा रस है? कभी दास्य रस। क्यों? उसमें अपने आप सेवा करने का वृद्धि, लेकिन उसको ऊपर में कहती है सख्य रस है, ये सख्य रस है, सख्य रस उससे भी श्रेष्ठ है। लेकिन जब सख्य रस होता है ना, देखना वहाँ बराबर है, इसलिए सखा लोग कहते हैं ना तुम्ही कौन बड़े लोग, तुम्ही आगे समझ, बोले कन्या तुम किस चीज से बड़े हो? सिद्धार्थ कहते तेरे पिता के कितने गैया है? बोले 9 लाख, मेरे पिता की 11 लाख गैया है। और जब तेरे साथ में मैं कुश्ती लड़ता हूँ ना, तो तेरे को पछाड़ देता हूँ, तेरे को मैं पछाड़ देता हूँ, तब तो किस चीज़ में बड़े हो? इसलिए तुम और मैं हम बराबर है, कोई बड़े बड़े कुछ नहीं है। इसलिए कभी कभी कृष्ण हार जाए ना, बोले घोड़ा बन, घोड़ा बन कर ले चल, अगर कभी कृष्ण बोले मैं घोड़ा नहीं बन तो घोड़ा नहीं बन, इसको अकेले कर दो, इससे कोई बात नहीं है, इससे कोई बात नहीं, उसे निकाल दो, अपना पार्टी से निकाल दो। कृष्ण कहते भैया ऐसे मत किया, मैं घोड़ा बन जाऊँगा, बैठे बैठ कंधे पर, बोले चल माठ बन से हम ले चल, घाटी बन तो घोड़े बन कर ले चल। इसलिए इसमें ये सख्य रस को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि वहाँ पर इतने ममता है, इसके अंदर इतने ममता हो जाती है, जहाँ पर कृष्ण को भी अपना दोस्त मानने लग जाते हैं। लेकिन इसी जगत में देखना, जैसे तुम्हारे घर में एक सेवक है, एक नौकर है तुम्हारे घर में, जब नौकर होगा अब क्या करोगे? उसका आदेश तो है बेटा जगह साफ कर, प्लेट साफ कर, घर को पोछा लगा, घर को पोछा लगा, जाओ ये काम कर, आदेश देते हो। लेकिन तुम्हारी एक नौकर के साथ में तुमको बात करने में अच्छी लगेगी, लेकिन देखना तुम्हारे घर में कोई दोस्त आ जाए ना, कोई दोस्त आ जाए, अरे क्या कर रहा था इतना दिन तक, तू कहाँ गया था,
पास में बैठ जाएगा, ये मंगाओ ये मंगाओ। अब बताओ एक नौकर के साथ में तुमको बात करने में अच्छी लगती ना कि दोस्तों के साथ में? बोलो किसके साथ? दोस्तों के साथ। नौकर दिन भर सेवा करता है, नौकर दिन भर वो सेवा करता है तुम्हारी, करने पर भी जो दिल खोल करके जो बात है ना, तुम नौकर से दिल खोल कर बात तुम नहीं कर सकते। किसके साथ में कर सकते हो? एक दोस्त के साथ में कर सकते हो, दिल खोल करके उसको साथ में तुम बात कर सकते हो। इसलिए क्योंकि उसका सब फ्रेंडशिप है यहाँ पर, तो उसको तुम नीचे और हम ऊंचा है। लेकिन सत्य रस में कहते उससे श्रेष्ठ रस बताया एक बात्सल रस। बोले क्यों? बोले बात्सल रस में भगवान हो जाते हैं छोटे और भक्त हो जाते हैं बड़े, भक्त हो जाते बड़े और भगवान हो जाते हैं छोटे। क्योंकि बात्सल रस में उसमें ताड़न भत्सल, इसमें ताड़न भत्सल। ताड़न भत्सल मतलब क्या? मैया क्या सोचती है, लाला मेरे लगा है, अगर कभी बिगड़ जाएगा ना हैं, अगर बचपन से उसको शासन नहीं करेगा, अगर बिगड़ जाएगा भविष्य में फिर बदनामी होगा। इसलिए कृष्णा अगर कोई मक्खन खाए तो मैया कभी शासन करती हैं, हैं? अगर कभी कृष्ण मिट्टी खाए तो मैया क्या करती है? शासन करती हैं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, अगर वो बिगड़ जाएगा तो भविष्य में इसके लिए खराब है। इसलिए मैया सीधा कान पकड़ती हैं। बोले क्यों रे चोर चोटे, घर में मक्खन मिश्री की कमी और तुमने जा करके मिट्टी खाई, तुमने अपवित्र हैं धूर्त तो बदमाश। मैया जिसका कृष्ण को शासन करती हैं, दुनिया को जो शासन करते हैं मैया, उसको शासन करती है मैया, क्योंकि मेरे बेटे हैं ये बिगड़ नहीं जाए। इसलिए यहाँ भगवान हो गए छोटे और भक्त हो गए बड़े हो गए, हैं? क्योंकि यहाँ पर ममता है, यहाँ पर बात्सल रस है, इसमें तारक और वर्षण है इसके अंदर। लेकिन उसको ऊपर में, उसको ऊपर में कभी ये श्रृंगार रस है, जहाँ पर इतने ममत्व के अंदर में, इसकी इतने ममत्व कहते संपूर्ण शरीर दे करके कौन सेवा कर सकती है। कहते पत्नी ही सर्वस्व दे करके पति की वो सेवा कर सकती है, यहाँ सर्वस्व दे करके संपूर्ण रूप में। इसलिए कहते एक पत्नी को अंदर में ये जितने सारे रस है ना, कहते ये पत्नी को अंदर में ये सारे रस विद्यमान था, है सारे रस विद्यमान था। इसलिए कृष्ण संपूर्ण रूप में ये गोपियों को प्रेम में, राधा जी के प्रेम में कृष्ण संपूर्ण रूप में वशीभूत हो जाते हैं। कहते उसमें भी दो चीज़ें बताए, कहते एक मधुस्नेह और एक घृत स्नेह। उसमें एक मधुस्नेह और एक घृत स्नेह, एक तद्यता और एक मध्यता। कहते ये मधुस्नेह और घृत स्नेह में क्या है? कहते एक चंद्रावली, कहते श्रृंगार रस में एक चंद्रावली और एक तरत में राधा रानी। कहते राधा रानी का जो स्नेह कैसे? बोले ये मधुस्नेह। बोले मधुस्नेह मतलब क्या? जैसे मधु, मधु खाए हनी खाए कि नहीं? आप देखना मधु को खाने के लिए किसी की जरूरत नहीं, आप मधु को सीधा खा सकते हैं, चाट चाट कर खा सकते हो मधु, हैं किस चीज़ को डायरेक्ट आप खा सकते हो, लेकिन घी को डायरेक्ट नहीं खा सकते। कहते राधा रानी का जो स्नेह है ना, कहते मधु स्नेह, और चंद्रावली का जो स्नेह घृत स्नेह, घृत मतलब घी। आप घी को डायरेक्ट कैसे खा सकते, खाते हो नहीं, उसमें बूरा डाल कर खाओ, नहीं तो सब्जी में डाल कर खाओ, नहीं तो चावल में डाल कर खाओ। घी को वैसे कोई नहीं खाते हैं, घी को स्वाभाविक रूप में उसमें मीठता नहीं, किसको साथ में मिला करके तुम घी खा सकते हो, लेकिन मधु को तुम डायरेक्ट चाट चाट करके खा सकते हो। इसलिए मतलब है जो घृत स्नेह, जो मधु स्नेह, ये जो मधु स्नेह है ये घृत स्नेह से भी श्रेष्ठ है, श्री मधु स्नेह। और उसमें दो चीज़ मिले, एक मध्यता और एक तद्यता। मतलब मध्यता तद्यता मतलब क्या? देखो आपसे एक प्रश्न करता हूँ, उत्तर देना। मध्यता और तद्यता, राधा रानी कहती हैं कृष्णा मेरे हैं, कृष्णा मेरे हैं, लेकिन चंद्रावली कहती हैं मैं कृष्ण की हूँ। बताओ कि दोनों में बड़े कौन? क्यों? अच्छा मेरे में क्या? चंद्रावली कहते हैं मैं कृष्ण की हूँ, राधा रानी कहते नहीं मैं कृष्ण की नहीं हूँ, कृष्ण मेरे, तो इसमें क्या फर्क है?
इसमें क्यों ये क्यों राधा रानी के प्रेम श्रेष्ठ है? राधा रानी कहते कृष्ण मेरे हैं, चंद्रावली कहते मैं कृष्ण की हूँ। जो कृष्ण की वो तो श्रेष्ठ होनी चाहिए ना, लेकिन राधा रानी कहते मैं कृष्ण मेरे हैं। बताओ इसमें क्यों श्रेष्ठ है? बोला क्यों इसमें श्रेष्ठ है? हाँ, इसलिए ये चीज को समझो। जैसे मैया कहती है लाला मेरे लाला है, लाला मेरे है, जब मेरे लाला है उनको लाला की सेवा करना है, उसके लिए कपड़ा खाना पीना सोना उसके लिए सब चीज मैया चिंता करती है ना, क्यों कृष्ण मेरे है। लेकिन मैं कृष्ण की हूँ, जब मैं कृष्ण की हो गई कृष्ण मेरे को चिंता करेंगे, कृष्ण हमारी सेवा करेंगे, कृष्ण हमारी मैं कृष्ण की मतलब कृष्ण हमारी चिंता करें हमारी सेवा करें। लेकिन कृष्ण मेरे मतलब नहीं, कृष्ण की हर चीज को सेवा चीज को हमें देखना पड़ेगा। इसलिए कहते राधा रानी का इसलिए प्रेम ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम श्री राधा रानी की। इसलिए उसमें तीन तरह का प्रेम बताए, एक साधारणी, एक सामंजस्य और एक समर्थ है। ये तीन तरह का प्रेम दिखाया। एक साधारण प्रेम, बोले साधारण प्रेम किसकी है? बोले कुब्जा की प्रेम, साधारण प्रेम। बोले क्यों? ये जो कुब्जा है, हैं, कृष्ण जब मथुरा में कृष्ण गए, जब कृष्ण मथुरा में गए कुब्जा ने किया कि बोले मेरे घर में जा, हमारे घर में चलो। क्योंकि जब कृष्ण कुब्जा पहले कुबड़ी थी कृष्ण के स्पर्श से बड़ी सुंदरी बन गई। जब बड़ी सुंदरी बन गई कुब्जा कहती है बोले प्रभु ये रूप तो आप ही दे दिया है ना मुझे, मैं तो कुबड़ी थी आप मेरे को इतना सुंदर बनाया, जब आप ये सुंदर बनाए तब इस शरीर को उपभोग तो कौन कर सकता है, आप ही इसको भोग कर सकते हो चलो। इसलिए उसके अंदर में भोग की प्रवृत्ति है, उसके अंदर में भोग प्रवृत्ति है, इसलिए ये प्रेम को साधारण प्रेम बताए। कि दूसरा सामंजस्य, सामंजस्य मतलब है कहते मथुरा में जो रमणीया है, जो रमणीया जिनके प्रेम है इनका प्रेम कहते सामंजस्य मतलब होता है बोले कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम नहीं है। जब कोई शादी करके घर में बच्चे हो जाए ना, देखना जब शादी करेगा पति के प्रति तो प्रेम रहता है शादी, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं ना देखना वो प्रेम बदल कर कहाँ हो जाती है, बच्चों में हो जाती है। उनको लालन करना, इनको पालन करना, इनको खिलाना है खिलाना पिलाना, उनकी जो प्रेम प्रति के प्रति ना वो आधा कहाँ चली जाएगी, आधा बच्चों के प्रति चली जाएगी, आधा किसके प्रति जाएगी, आधा पति को प्रति रहेगा, आधा बच्चों के प्रति हो जाएगी। इसलिए उनका जो प्रेम है ना बंटवारा हो गया। लेकिन जो गोपियों की जो प्रेम है ना इनको कोई संतान बंधन कुछ है, इनकी जो प्रेम है कृष्ण के प्रति पूर्ण मात्रा में संपूर्ण रूप में तन मन सब कुछ दे करके एक पैर केवल कृष्ण के प्रति और किसके प्रति, इनके प्रेम और कृष्ण के प्रति। इसलिए कहते समर्थ का मतलब होता है कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ है, क्योंकि संपूर्ण रूप में कृष्ण को सेवा करने वाले कृष्ण से कुछ नहीं। इसलिए गोपियाँ कहती है कभी कभी तुम हमें कपड़ा देते हो, तुम हमें खाना देते हो, तो हम कुछ नहीं देते, हम अपना हाथ से खाती है, अपना हाथ से पहनती है और तुमको हम सेवा करती हैं, तुमको हम सेवा करती हैं। इसलिए यहाँ पर बताए बोले जितने रस में जो श्रेष्ठ रस कौन है, बोले आदि रस है। ये आदि रस कौन सा रस है? बोले ये श्रृंगार रस है, हैं, ये श्रृंगार रस यही सर्वश्रेष्ठ है। और इसी रस इसलिए जन्मा दस्य जतः, बोले जतः जन्म आदि रस, जिनसे ये आदि रस जिनसे प्रकट होता है, बोले किससे? बोले श्री राधा रानी से, श्री राधा रानी से, बोले श्रीमती राधा रानी की, इनसे सारे रस की जो श्रृंगार सब रस राधा रानी से प्रकट होती है, श्री राधा रानी से। इसलिए बोले आदि रस ही सर्वश्रेष्ठ रस है। तब इसको सुन करके वो महाप्रभु बहुत खुश हो, महाप्रभु को प्रेम गदगद होकर के महाप्रभु कहते हैं भाल तत्व सिखाए ले मोरे, इतने बोले श्लोक पढ़े गदगद स्वर, बोले तुमने हमको बहुत बढ़िया चीज सिखाया। तब महाप्रभु जी गदगद होकर के महाप्रभु जी एक श्लोक पढ़ते हैं, कहते ये श्लोक किसका श्लोक है? कहते श्री माधव गुरुकुल ने ये श्लोक को बोले किया है,
ब्लस्यामेव परम रूपम पुरी मधु पुरी वरा भय कैसुरतम ध्येयम मात्र एव पररस तक श्री हाँ बाबा आगे बाबा जी रात को सोए नहीं थैंक यू हाँ रात को सोए कि नहीं रात को सोए नहीं नहीं लगता है रात को सोए नहीं कहाँ से आ रहे ये आ रहे हैं बड़ोदे से बंसी वहीं हाँ बंसी बदन वहाँ पर भागवत कथा है ना हाँ हम दोनों वहाँ पर भागवत कथा है और वहाँ पर ये हुई वहीं पर प्रभु जी वहीं पर रह गए थे कुछ दिन तक फिर वहाँ बढ़िया कथा किया पूरा उद्धव संदेश प्रभु जी इतने बढ़िया उद्धव संदेश होता है ना गुरु बंसी बदन का वहाँ पर अभी तक उन्होंने उद्धव संदेश की कथा वहाँ पर कर दी उद्धव संदेश विश्राम हुआ कि नहीं पूरी हुई कि नहीं अभी बंसीवदन प्रभु प्रभु ना एक एक सब्जेक्ट को अच्छे तरह सब नोट करते हैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर इनका सब को नोट करके एक एक विषय के ऊपर में पूरा एक एक विषय को ऊपर जैसे आप करते हैं ना जैसे यहाँ पर हमको अच्छे तरह से पूरा एक एक विषय को लेकर करते हैं धन्यवाद अरे हाँ इसलिए जाओ जा, ये ले आओ ऊपर से कुछ ये है ना फल है प्रसाद सुरक्षा कहाँ हमारे ग्रुप से ले चाबी है तुम्हारे पास जाओ वो जो कल लाए थे ना कुछ फल फलता है उसको दे दो ले जाएंगे बड़े ले जाएंगे हाँ नहीं हम कल वहाँ पर गिरिराज पूजा में कुछ केले और कुछ फल फल था ले जाएंगे वहाँ पर हाँ कहते ये माधवेंद्रपुरी का ये श्लोक है हैं बोले श्याम एवं पर रूपम भगवान का श्याम रूपी सर्वश्रेष्ठ रूप है और पूरी मधुपुरा द्वारा बोले उनको सबसे श्रेष्ठ था उसकी मधुपुरी और उनको जो ध्येय जो ध्येय बोले कैश्वर का ध्येय उनका कैश्वर रूप को ध्यान करना चाहिए और रस में सर्वश्रेष्ठ कौन सा रस है आत्मेव पर रस जो आदि रस के श्रृंगार रस है कभी यही रस ही सर्वश्रेष्ठ रस है यही रस ही सर्वश्रेष्ठ रस है कभी इस महाप्रभु ने ये श्लोक को बड़ी सुंदर रूप में प्ले महाप्रभु बोली माधवेंद्रपुरी का ये श्लोक है ठीक है गीता गौर मान्य हाँ तब आज कुछ कहेगा।